गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास फॉर हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन दिस चैप्टर रिवर वैली सिविलाइजेशंस 1, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट इजिप्शियन सिविलाइजेशन दैट फ्लॉरिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ 3150 BCE टिल 30 BCE। Now, it is said that we have several sources that help us to understand much more about Egyptian civilization than about Mesopotamian civilization. ऐसा कहा जाता है कि Mesopotamian civilization से कहीं ज़्यादा जानकारी हमें Egyptian civilization की होती है, क्योंकि हमारे पास इसके written records बहुत लार्ज अमाउंट में है। वी हैव रिटन रिकॉर्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स, तो वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे, और दे वर फ्लॉरिशिंग एंड देयर सिविलाइजेशन इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे, सो दैट दे लास्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नाउ अबाउट देयर टाउन प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीवन, Egyptian civilization developed near the bank of River Nile, and it is considered as the gift of River Nile. Why? Because it is believed कि जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी, तो बाढ़ के साथ साथ, फ्लड के साथ साथ, वह रिवर का जो वाटर होता था वो अपने साथ बहुत सारा फर्टिलिटी लाता था, जो मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ करने में मदद देता था, यानी that helped in the fertility of the soil, that helped in growing the fertility of the soil, that helped much more in agriculture. So now about town planning, there were two cities, or you can say two territories were found in that civilization. First one was NWT, means naturally unplanned, yani उस तरह के सिटी को बनाया नहीं जाता था, उसके हाउस के टाउन, उसका हाउस प्लानिंग, उसका जो भी सिस्टम था उस वहाँ उस वक्त बहुत अच्छी फैसिलिटी वहाँ नहीं हुआ करती थी, यानी जो उन्हें प्रकृति से मिला हो, यानी वैसा घर, वैसा व्यवस्था जो उन्हें सब कुछ प्रकृति के द्वारा मिला हो। एंड DMI, इट मीन्स सेटलमेंट, जैसे लोग सेटल करते हैं वहाँ पर अपने आप को। तो उस वक्त अगर देखा गया तो वी वर हैविंग सम टू सिटीज, फर्स्ट इज NWT एंड अनदर वन वॉज इट इज कॉल्ड न्यूट एंड इट इज कॉल्ड डमी, यू कैन से सेटलमेंट। तो अगर न्यूट की बात करेंगे तो थीब्स हैं, फिर मेम्फिस भी आते हैं, तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि दे वर नेचुरली डेवलप्ड, नेचुरली बिल्ट, दे वर अनप्लान्ड, यानी सिस्टमेटिक वे में कुछ भी नहीं हुआ था, एंड नॉट वेल इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अगर हम डुमी की बात करेंगे, अगर हम सेटलमेंट की बात करेंगे, तो दे वर artificially made and they were well planned and well infrastructured with muddy bricks. And अगर हम बात करेंगे न्यूट की, तो इस सिविलाइजेशन में, इस सिविलाइजेशन के न्यूट सिटी में क्या होता था कि जो घर बने होते थे वो गलियों के किनारे, यानी स्ट्रीट के किनारे बने होते थे, एट द एज ऑफ द स्ट्रीट, और जो घरों के दीवार होते थे वो तीन दीवारों से, जो उनका घर होता था, उनका घर, उनके घरों का तीन दीवार आपस में जुड़ा रहता था आपस में, और फिर उसी तीन दीवार के आधार पर दूसरा घर बनाया जाता था। जबकि जमी में ऐसा कुछ भी नहीं था, सेटलमेंट बहुत अच्छा था। ये इस टेरिटरीज में जो घर हुआ करते थे वो सड़क के दो साइड्स, यानी साइड्स में हुआ करते थे, और आमने सामने केवल 10 घर ही रहा करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ इस तरह से रहते थे। हाँ, और तो और इनमें बहुत अच्छा किचन हुआ करता था, कोर्टयार्ड हुआ करता था, यानी अगर हम डमी की बात करेंगे तो इट वॉज कम्प्लीटली वेल डेवलप्ड। Now, come to kingdoms and their rulers. So, kingdoms were divided into three stages, or you can say three
stages. Stages can be said old, middle and new. Now come here. Round about, or you can say approx 3000 BCE to 2000 BCE, it was called the first pyramid, you can say, and it was called the age of pyramids. Yani Egyptians ne pyramid banana isi old किंगडम में स्टार्ट किया था, जिसका ड्यूरेशन रहा 3000 बीसी से 2000 बीसी तक. और इसी के दौरान टॉम ऑफ फैरो डी जोसेफ, यानी फैरो यानी राजा डी जोसेफ का टॉम जो है वो इसी ओल्ड किंगडम में बनाया गया था. नाउ मिडिल किंगडम, द पीरियड ऑफ मिडिल किंगडम इज 2000 बीसी टू 2000 BCE to 1700 BCE approx, and pharaohs were less powerful. इस समय जो राजा हुआ करते थे काफी कम ताकतवर हुआ करते थे, जिसका फायदा उठाकर हिक्सिस एक ट्राइब था जो इजिप्ट पर आक्रमण कर दिया और इजिप्ट को शक्तिहीन करना शुरू कर दिया, और थोड़ा समय आगे बढ़कर लगभग इस मिडिल एज का डिक्लेनेशन कर दिया, यानी समाप्त कर दिया. नाउ द न्यू किंगडम डेवलप्ड अप्रॉक्स 1600 BCE टू 1100 BCE. इजिप्शियंस वर अगेन पावरफुल एंड दे हैव रीच्ड देयर पीक ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी इस पीरियड के दौरान में इजिप्शियन जो है एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुका था अपने पावर्स को लेकर, और हर तरह की फैसिलिटीज़ या जो भी आप इनके एडवांटेजेस कह सकते हैं उनको लेकर. नाउ सोसाइटी, इफ वी टॉक अबाउट सोसाइटी ड्यूरिंग दिस इजिप्शियन पीरियड, देन इट वॉज कंसिडर्ड दैट फारोज वर believed as living god and their statues were built and placed in the temple and worshipped as well. Yani pharaohs king raja aur rani ko hi ek jeeta jagta ishwar mana jata tha aur unki pratimaye banakar mandiron mein rakhi jati thi aur unki pooja ki jati thi. Uske baad aate hain priest and nobles, jo artisans aur art क्राफ्ट्समैन को फॉलो करते हैं. उसके बाद आते हैं फार्मर्स और कल्टीवेटर्स जो कि विलेज में रहते थे, और उसके बाद लास्ट स्टेज जो आता है सोसाइटी में, वो लास्ट स्टेज है स्लेव, जो कि सबसे लोअर कास्ट यानी लोएस्ट कास्ट के लोएस्ट लेवल पे वो होते थे. तो इसमें क्या क्या, इसमें प्रिजनर्स को भी रखा जाता था. मानिए अगर किसी तरह का वार किसी दो रीजन्स में होता था, तो जो हारे गए रीजन है यानी जो किंगडम हार गया उसमें मौजूद जितने भी प्रिजनर्स यानी कैदी हैं उनको बंदी बना लिया, उसमें जो भी सोल्जर्स रहते थे उनको बंदी बना लिया जाता था और उन्हें कैदी बना लिया जाता था और उन्हें लोएस्ट लेवल में रखा जाता था समाज में. नाउ लाइफस्टाइल, इट इज बिलीव्ड दैट द टू अपर क्लासेस वर रिच एंड यूज्ड प्रीशियस स्टोन्स एंड गोल्ड्स एज देयर ज्वेलरी. रिच पीपल लेड अ लविश लाइफ वेयर एज पुअर पीपल लिव्ड अ वेरी टफ लाइफ. एंड इट इज बिलीव्ड दैट कि जो लाइफ होता था अपर टू क्लासेस लेवल का, उनका जीवन बहुत ही खुशमय होता था. They were very happy and they lived their life lavishly. They had their jewelries of precious stones and golds. And on the other way, poor people led a very tough life. Now see, ways of entertainment. They were very fond of singing and dancing. And harp was the popular musical instrument introduced during this Egyptian civilization. Now, come to position of women. Actually, position of women was inferior to the men. Yani, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की position या स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी.
लेकिन फिर भी किसी तरह आगे जाकर जब ये सिविलाइजेशन थोड़ा और ग्रो किया, नए किंगडम्स आए प्रभाव में, तो उनको प्रभाव में लाने के बाद ऐसा देखा गया है, हिस्टोरियंस ऐसा बिलीव करते हैं कि कुछ समय के बाद जब नए किंगडम्स आते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, तब जाकर औरतों की स्थिति में थोड़ा सुधार आता है। रिलीजियस बिलीव्स की बात करते हैं, द मेन गॉड सन जिनको अमन रे या राबी कहा जाता है, एंड द गॉड ऑफ द ब्लेस्ड डेड यानी मृत्यु के जो देवता हैं उनको ओसिरिस कहा जाता है या ओसाइरिस भी कह सकते हैं आप, और इसिस वॉज द वाइफ ऑफ ओसिरिस एंड Horus was the son of Osiris. Now, each god had a separate temple and a priest. हर एक ईश्वर का अपना एक मंदिर होता था और उसके एक अलग पुजारी होते थे। तो ये था religious belief. हाँ, one of the most important thing, mummies are introduced here. Mummies are introduced. Actually, the Egyptians believed in life after death. Egyptians का ऐसा माना जाता है, मैंने Mesopotamians के बारे में भी कहा था, ऐसा माना जाता है, it is believed कि they had a great belief in life after death. तो actually mummies are what I will let you know. Mummies. Actually mummies को जब coffin में डाला जाता था, तो उसके साथ साथ जो pharaoh होते थे, जो pharaoh का dead body जो होता था, उनके साथ साथ उनके belongings को भी डाला जाता था, और साथ ही belongings के बहुत सारे facilities जो उन्हें मरने के बाद Egyptians ऐसा मानते थे कि राजा जब मरते हैं तो मरने के बाद भी उनके सुख सुविधाओं में कोई कमी ना हो, जिसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारा जो खाने का सामान हो गया, पहनने के वस्त्र हो गए, या और भी जरूरी आवश्यकता की चीज़ों को इनके साथ दफन कर दिया जाता था। नाउ ऑक्यूपेशंस, एग्रीकल्चर वॉज कंसिडर्ड एज द मेन ऑक्यूपेशन एंड अनदर वन वॉज क्राफ्ट्समैन। सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। बार्ली, वीट, मिलेट, बीन्स, कुकम्बर्स, ओनियंस एंड ग्रेप्स वर ग्रोन। फ्लैक्स वर ग्रोन फॉर मेकिंग लिनन, एंड पेपाइरस वॉज हार्वेस्टेड फॉर मेकिंग पेपर एंड रूप, यानी रस्सियों और पेपरों यानी कागजों को बनाने के लिए पेपाइरस का यूज किया जाता, यानी उसे हार्वेस्ट किया जाता था। और क्राफ्टमैनशिप की बात करेंगे तो ब्यूटीफुल आर्टिकल्स वर मेड ऑफ वुड्स, आइवरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, एंड दे वर हैविंग अ ग्रेट स्केल ऑफ पोएट्री, यानी उन्हें पोएट्री बनाने का बहुत अच्छा शौक था, उनकी उनकी जो शैली थी है ना, क्राफ्ट की जो शैली थी, उनकी स्किल ऑफ क्राफ्ट वॉज वेरी मच डेवलप्ड। नाउ कम टू द ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सो दे वर मास्टर्ड इन ट्रेड्स, दे हैड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑल्सो, यानी वो बहुत सारे वस्तुओं का आयात और निर्यात किया करते थे। इन एक्सपोर्ट दे डिड लिनन, ज्वेलरी, ग्लासवेयर, यानी दे वर वेरी गुड इन मेकिंग लिनन, ज्वेलरी एंड ग्लासवेयर, तो वो इन सारी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। नाउ इम्पोर्ट यानी आयात, वो क्या लाते थे, गोल्ड, आइवरी, टिम्बर एंड इंसेंस ऑयल यानी सुगंधित तेल। मेजर अचीवमेंट्स, उनका मेजर अचीवमेंट्स क्या था, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा फॉर फैरो चॉप्स खुफू, और दूसरा जेम्स जो था वो था स्फिंक्स। स्फिंक्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक ही पत्थर पर इंग्रेव करके उस पत्थर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर तो एक शेर की तरह देखने में लगता है, एक लॉयन की तरह, मीन्स द बॉडी ऑफ अ लॉयन एंड द हेड ऑफ अ मैन, एंड इट रिजेंबल्स द फेस ऑफ फैरो खाफरे।
और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को कौन नहीं जानता है। इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे विश्व के सात अजूबों में एक अजूबा ये भी आता है। They were very good in painting. They decorated the walls of the temples and pyramids. वो जो temples और pyramids बनाते थे, उन वो जो temple के ऊपर का जो temple का जो wall होता था, pyramid का जो wall दीवार जो होता था, उस पर वो चित्रकारी किया करते थे, यानी design बनाया करते थे। They were excellent in painting. अगर स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो हीरोग्लिफिक्स जो था वो इजिप्शियन फॉर्म ऑफ राइटिंग था, यानी इजिप्शियंस लिखने के लिए जिस फॉर्म का यूज़ करते थे उनको हीरोग्लिफिक्स कहा जाता था। एक्चुअली इट इज़ ए सिस्टम इन विच पिक्चर्स आर यूज्ड टू शो वर्ड्स, यानी शब्दों को दिखाने के लिए हम पिक्चर्स का इस्तेमाल किया करते थे इस सिविलाइजेशन के दौरान में जो लोग रहा करते थे। Now, knowledge and science की बात करेंगे तो they were experts in maths, astronomy, medicine, mathematics की बात करेंगे तो आज जो हम fractional operation solve करते हैं, fractional या decimal system या जो भी operation, addition, multiplication, subtraction और division, जो भी हम operation functional करते हैं, या जो हम आज area of perimeter, area of rectangle, perimeter of triangle and so many things what we find out that had already been done in this civilization. They were expert in math and they had some signs for Egyptian numbers also, you can see here. They used several signs to show their numbers. Now, if we talk about astronomy, so in astronomy we learn about solar calendar and the one of the most important thing ki what we think, what we say that 365 days equals to 1 year. You know actually what are these 365 days? See, actually they were very good in astronomy, so they found the gap between the two floods, and the gap between the two floods were considered as 365 days. यानी अगर एक बार जो बाढ़ आया या बाढ़ उस नदी में आई, तो बाढ़ के एक बार जब बाढ़ आकर चला गया, तो दूसरी बार जब भी बाढ़ आता था तो पहला जो तो फर्स्ट फ्लड जो होता था उसके जाने के बाद जो सेकेंड फ्लड आता था, तो इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होता था वो 365 डेज का होता था, जिसको उन्होंने बाद में 12 महीनों में बांट दिया, जिसमें उन्होंने हर एक महीने में 30 दिन रखा, और जैसा कि हम जानते हैं 30 × 12 = 360 days होता है, तो बाकी के बचे 5 डेज को उन्होंने फेस्टिवल्स के रूप में मनाना शुरू कर दिया। मेडिसिंस अगर हमारे पास, हम अगर मम्मीज़ के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो ऐसा पता चलता है कि उन्हें मेडिसिंस का भी बहुत अच्छा जानकारी रहा था, क्योंकि किसी भी डेड बॉडी को बहुत ही लंबे समय तक हम प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते हैं, बट मम्मीज जो वो प्रोटेक्ट करके रखती थे, जो वो स्पाइस उनको जो लेप वो लगाते थे, और जब वो रैप्ड किए जाते थे, जिस कफिन में वो रखे जाते थे, तो काफ़ी लंबे समय तक वो डेड बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते थे, जो कि मेडिसिन का भी एक अच्छा एग्जांपल है, जो बताता है कि उन्हें मेडिसिन की बहुत अच्छी जानकारी रही होगी। अब देखते हैं इतना अच्छा सिविलाइजेशन जो कि काफ़ी लंबे समय तक चला, 3150 BCE से लगभग 30 BCE तक चला, तो आखिर इतना अच्छा सिविलाइजेशन एक समय में डिक्लाइन कर जाता है, ध्वस्त हो जाता है, इसका पूरा अस्तित्व मिट जाता है, तो आखिर ऐसा कैसे होता है? तो एक्चुअली ये होता क्यों है
क्योंकि देख धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन है वो कमज़ोर पड़ता चला जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं, इंटरनल रिविलियंस रहते हैं, उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी थोड़ी कमी हो जाती है, और जिसका फ़ायदा उठाकर फॉरेनर्स जो है वो अटैक कर देते हैं। तो फॉरेनर अटैक्स बाई असीरियंस, पर्शियन, रोमन्स, जब ये लोग अटैक करते हैं तो इस इजिप्शियन सिविलाइजेशन की स्थिति और ख़राब होती जाती है, और देखते ही देखते एक समय ऐसा आता है कि यह सिविलाइजेशन पूरी तरह डिक्लाइन कर जाता है, वैनिश कर जाता है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। मेसोपोटामिया हम लोगों ने पढ़ रखा है, इजिप्शियन हम लोगों ने पढ़ रखा है, अब नेक्स्ट क्लास में हम चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी इंट्रोड्यूस्ड टू चाइनीज सिविलाइजेशन, और यकीन से कि चाइनीज सिविलाइजेशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू अस, हम लोगों को बताया जाएगा, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। टिल देन कंटिन्यू विद योर इजिप्शियन सिविलाइजेशन, गो थ्रू योर बुक, रीड द चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, यू कैन लीव योर कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।